कहाँ से आ रहे हैं? ई टाइप। अरे बस घूम के थोड़ा वीडियो बना रहे यूट्यूब कि मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए कोरोना की वजह से गार्ड लोग रोकते हैं और पापा का नाम और एम्प्लॉय कोड ये सब लिखाता है। इतना मस्त हो गया यहाँ का सीन। अरे यार पूरा चेंज कर दिया। ये देखिए पूरा चेंज हो गया। एक मिनट में पानी है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल L2K व्लॉग्स। L2K व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी के सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहने चाहिए। तो आज जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे हनुमान मंदिर और मधुबन पार्क पड़ता है, तो फिलहाल आज हम लोग वहीं पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चलिए। तो गाइस आ चुके हम लोग नीचे, तो अब फिलहाल हम लोग चलते हैं वहीं पे, वहाँ पे अब मिलेंगे। और हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, तो चलिए आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब वहीं का वीडियो जो भी रहेगा वो मेरा दोस्त ऋतिक बनाएगा, क्योंकि अब मेरे को गाड़ी चलाना है। तो चलिए आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग अपने घर की तरफ से निकल रहे हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं वहीं पर, आगे का रास्ता जो भी रहेगा वहीं पर मिलेंगे। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा पहला ये ट्रैवलिंग ब्लॉग है। और आगे का उम्मीद करता हूँ आपको सबको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अरे बस घूम के कि मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए कोरोना की वजह से गार्ड लोग रोकते हैं और पापा का नाम और एम्प्लॉय कोड ये सब लिखाता है, तो वो सब हम लोग दे चुके हैं। अब फिलहाल चलिए यही रास्ता है। ये यहाँ पे वाटर टैंक है यहाँ का, रेणु सागर का, हिंडालको का। और ये रास्ता है हनुमान मंदिर जाने का। देखिए गाइस कितना बढ़िया लगता है यहाँ से अपना पावर प्लांट, रेणु सागर कॉलोनी। रुकिए मैं एक साइड रोक लेता हूँ गाड़ी, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया यहाँ का सीन लग रहा है। और अभी फ़िलहाल हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अब आगे का जो भी चीज़ रहेगा वो मैं आगे आपको, चलिए ऊपर पहले मंदिर चलते हैं। और ये देखिए ये अपना रेणु सागर का पावर प्लांट, और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। और चलिए हम आपको आगे हनुमान मंदिर पर लेके चलते हैं। तो गाइस अभी मैं सीन ऐसा हुआ था कि बारिश होने लगी है यहाँ पे, और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अब मंदिर पे जाएंगे, मंदिर पे जा करके फिर मैं आपको आगे कब लोग दिखाता हूँ। तब तक आप रास्ता देखिए कितना बढ़िया है यहाँ का। आगे ट्रैक्टर है, ये कंपनी की ट्रैक्टर है हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। गाइस देखिए सामने जो रास्ता है यहाँ वाला, ये सीधे जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा हमारा मधुबन पार्क। और फिलहाल हम लोग को हनुमान मंदिर चलना है, तो हम लोग ये वाले रास्ते में चलेंगे। तो गाइस अभी मैं सीन ऐसा हुआ था कि हम लोग आए थे घूमने के प्लान से, लेकिन ऐसा होने लगा कि हम लोग मंदिर पहुँचे तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई पूरे। इधर ये देखिए पूरे शीशे पे पानी। अभी फ़िलहाल बारिश पड़ रही है, मैं दरवाज़ा खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए पूरा इधर बारिश हो रही है, इसलिए अंकल हमारे पीछे जो आए ट्रैक्टर से कुछ सामान उतारना था इनको भी। मंदिर के अंदर जाने का प्लान तो था, लेकिन कोरोना की वजह से मेरे को लग रहा है ये मंदिर जो है गेट बंद कर दिया गया है। तो आज मैं भी बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर,
क्योंकि उतना मन नहीं करता घूमने का, लेकिन मैं सोचा चलो आज ब्लॉग बनाना है तो चलो ऊपर चल के आज ब्लॉग बनाते हैं। और फिलहाल आगे का मैं आपको दिखाता हूँ अगर बारिश रुकती है तो। और ये पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है और इसका नाम अंशु है। और चलिए, ये मेरा दोस्त ऋतिक, यही अभी तक वीडियो बना रहा था। तो गाइस, ये रास्ता जो है मेन गेट पे उतरता है जिधर से हम लोग अनपुरा मार्केट जाते हैं। और ये रास्ता देख रहे हैं अभी आप, तो ये वाला अभी हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, इधर से हम लोग लौटते हुए आएंगे। हम लोग इधर से होकर के जाएंगे और पूरा एक राउंड मारते हुए इधर से। ये देखिए हिंडालको रेनो पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, और इधर सिक्योरिटी वक्योरिटी लगी हुई। साहब इतना मस्त हो गया यहाँ का सीन यार, पूरा चेंज कर दिया। ये देखिए पूरा चेंज हो गया, एक मिनट में पानी गाइस गीले हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा सह तो सकते ही हैं। और फिलहाल में यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब के टाइम में ये पूरा खाली कर दिया गया है। पता नहीं क्या बनेगा, अभी तो फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है हम लोग को। और इधर मेरे को लगता है, सुनने में तो आ रहा है कि हेलीपैड बनाया जाएगा, अब देखिए क्या होता है। आगे का सीन कुछ ऐसा है कि आगे के साइड में यहाँ पे इधर में आगे के साइड में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फिलहाल चलिए हम एक बार आगे से होते हुए गाड़ी घुमाते हैं। रास्ता यहाँ का थोड़ा ख़राब है गाइस, इसीलिए गाड़ी मिल रही है पूरा। और ये देखिए इधर में ये जो सीढ़ी गई है यहाँ पे नीचे इधर, ये सीधे मंदिर पे जाता है। और जहाँ से हम लोग अभी टर्निंग खाए हैं, जहाँ मंदिर पर हम लोग रुके हुए थे, वहीं पे जस्ट सीढ़ी ऊपर जो आने के लिए रास्ता है, यही रास्ता है। तो गाइस अभी हम लोग, जैसा कि हम लोग यहाँ पे हो चुका, अभी इधर से वापस चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे के साइड में, इधर पूरा पार्क से एक ऐसे सर्कल में रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते पर चलेंगे। तो इधर अब हम लोग को टर्न लेना है। कंपनी की क्रेन वेन खड़ी है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए सब पहले से ही ला करके यहाँ खड़ा कर दिया गया है। गाइस रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और ये देखिए इधर पूरा सोलर पैनल लगा है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए पूरा इधर लंबे में सोलर पैनल लगाया हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा लंबा लंबा, देखिए वहाँ तक पूरा सोलर पैनल बिछाया गया है। ये सोलर प्लेट है वैसे। और गाइस इधर आ गया फिर ये आपका पार्क, मधुबन पार्क। और इस पार्क में वैसे आता तो बहुत मज़ा है, हम लोग का बचपन यहीं पे, स्कूल का पिकनिक जब हम लोग यहाँ पे थे आदित्य बिरला में, तो हम लोग का हमेशा पिकनिक यहीं पे लेके आया करते थे लोग, स्कूल के टीचर। और ये वैसे है पार्क बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे नया कैफेटेरिया भी खुला है, और वैसे आज तक मैं यहाँ पे गया तो नहीं। ये देखिए छोटा सा इधर गार्डन बनाया हुआ है, मतलब फूल का डेकोरेशन किया गया है, बढ़िया लग रहा है। पहले यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, लेकिन मेरे को लग रहा है वो पार्क अब हटा दिया गया, उस पार्क की जगह इसको बनाया गया है। ये सब देखिए खाली कराया जा रहा है, यही पूरा पार्क है, बहुत लंबे में थोड़ा पार्क है। सामने में वो देखिए जहाँ पे आपको शर्ट दिख रहा होगा, अगर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, शर्ट दिख रहा होगा वहाँ पे, वही कैफेटेरिया। अभी हम लोग ऐसे इधर से होते हुए हम लोग जाएंगे, आगे से होते हुए जब आएंगे तो वो रास्ते पे हम लोग चल करके और फिर आपको कैफेटेरिया के पास लेके चलेंगे। गाइस अभी फ़िलहाल में सीन है सब, हम लोग अभी आगे तक गए, लेकिन फिर गार्ड अंकल ने हम लोग को यहाँ पे मना कर दिया जाने से, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी आगे जो है कि जो उधर हम लोग ने दिखाया था क्रेन खड़ी थी, आगे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आगे इससे गाड़ी मुड़ाना ही पड़ेगा। और फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं जैसा कि रास्ता बहुत पतला है, तो गाड़ी घुमाने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग यहीं से बैक ले लेंगे। अब मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉशरूम बनाया गया है जेंट्स और लेडीज़ का। और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पानी पीने का है। कल बारिश तो पूरा प्लान ख़राब कर दी, तब एक बार कैमरे में हाय कर दीजिए ज़रा। तो अंकल भी देखिए हाय कर रहे हैं। चलो, और इन लोगों का ड्यूटी ऐसा है, क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ठीक। तो अंकल बोले कि ये रास्ता खुला हुआ है, वो वाला रास्ता बंद था। अब मैं हल्का हल्का शीशा खोल देता हूँ, क्योंकि ये सामने वाले फ्रंट शीशे पे भाप आ रहा है। और ये पूरा अब जो है कि मैं सुनने में आ रहा है, ये पूरा इधर भी बड़ा होगा, गार्डन को यहाँ पे बड़ा किया जाएगा, यहाँ तक लेके आया जाएगा और टहलने के लिए ये रास्ता बनाया जाएगा।
बस अब मेरे को ये डर लग रहा है कहीं टायर ना पंचर हो, क्योंकि इधर रास्ता बहुत खराब है। अरे गाड़ी टांग के लेके जाएंगे। अरे टांग के तो लेके जाने की बात है भाई, लेकिन पंचर हो जाएगा तो चेंज करने में हालत खराब हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ ना हो। और गाइस इन अंकल की ड्यूटी के लिए एक लाइक तो बनता है। हाँ, इन अंकल के लिए इतने बारिश में ड्यूटी कर रहे थे, इनके लिए एक लाइक तो बनता है फिलहाल, एक लाइक। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हल्के हल्के बगुला है, और हम लोग यहाँ अभी एक पेड़ के नीचे गाड़ी लगाते हैं। गार्डन, ये हमारा रेणु सागर का रोज़ गार्डन है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी दिख रहा होगा, हर कलर के रोज, यहाँ हर एक कलर के रोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ से तोड़ना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा। सिर्फ रोज़ ही रोज़ है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वैसे मौसम ख़राब कर दिया भगवान ने, ऐसा क्यों किया। और अब ये रास्ता निकल जाएगा, अभी हम लोग फ़िलहाल इस रास्ते से होते हुए आए हैं, ये रास्ता से टर्न होते हुए इधर जाता था, और अब हम इधर से होते हुए निकलेंगे। सामने का रास्ता आप देख सकते हैं। इस साइड में पार्क है पूरा, ये है हमारा रेणु सागर का पार्क। और ये जो मैं वहाँ से आपको सामने से शेड दिखाया था, ये वाला शेड, यही शेड है, यहीं यही कैफेटेरिया है 50 हर्ट्ज़ का। और फिलहाल तो शायद से बारिश हो रहा है, इसीलिए हम नीचे नहीं जा सकते। वैसे बनाया अच्छा गया, अभी फ़िलहाल में नया नया एकदम खुला हुआ है। ये पूरा एक पार्क है, वो वहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये झूले भी हैं बच्चों को झूलने के लिए, और ये पूरा यहाँ पे कोने कोने में फ्लावर लगाए गए हैं। वैसे यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है रात के समय भी, हम लोग मॉर्निंग में यहाँ टहलने आया करते थे पहले। और अब हम लोग ये सामने के रास्ते से वापस जाएंगे। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक व्यू हम लोग को अभी मिला, ये देखिए सनसेट का कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने में। और फिलहाल कैमरे में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली कुछ और लग रहा है, एकदम ऑरेंज, डार्क ऑरेंज लग रहा है। वैसे है तो अच्छा, मज़ा आया। और अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि अब रात भी हो रहा है और बारिश तो वैसे ही हो रही कंटिन्यू, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक व्लॉग में, अब मैं जाते समय का रास्ता का व्लॉग बनाऊँगा। तो गाइज़ अभी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, पूरा मज़ा हमारा किरकिरा हो गया। हमने सोचा था कि चलो नीचे उतर करके व्लॉग बनाएंगे पार्क में, लेकिन पूरा जो है कि बारिश की वजह से हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे हैं। सो गाइज अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब चलाएंगे ऋतिक भैया, और ये भी सीख रहे हैं थोड़ा, और यहाँ वही बारिश का झंझट। तुम लोग आप लोग को पार्क ऐसे खड़े होके मतलब कि घूम के दिखाते आराम से चल चल के। ये देखिए हमारी बंद जाएगी, ये देखिए गाइस ये पूरा सोलर, यहाँ पे बहुत ही मस्त सीन आ रहा है, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ से पूरा ग्राउंड दिख रहा है गाड़ी के ऊपर खड़े होकर। हम फिलहाल अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पे तो है इतना सिक्योरिटी वाले हैं, यहाँ पे देख देख करके दिमाग खराब हो जाता है। वैसे अच्छी बात है ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं बारिश में भी। मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे रास्ते में चलाने में, यहाँ पतला पतला रास्ता रहता है, बहुत अच्छा सीन आता है। इधर टर्निंग एक बार हाय कर दीजिए। अब ये मान के जाते समय ये कह रहे थे कि हमको शर्म लग रही है, हमके कोई बात नहीं अंकल, ये इधर से हम लोग आए थे, लेकिन अब हम लोग इधर से होके चलेंगे। तो गाइस अभी मैं हम लोग अब वहां से वापस आ चुके हैं, और ये रास्ता हम लोग के घर की तरफ जाता है, और फिलहाल मज़ा उतना नहीं आया जितना हम लोग सोचे थे, क्योंकि हम लोग जिस तरह से वीडियो बनाने का सोचे थे कि उस तरह से बन नहीं पाया, क्योंकि ये बारिश की वजह से सब पूरा
मजा एकदम बेकार हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा एक बार और जब बारिश नहीं होगी उस टाइम आने का। फिलहाल यहाँ का आज का मौसम बहुत अच्छा था इसीलिए हमने सोचा नहीं, तो हमें अगर पता रहता कि बारिश होगा तो हम आते नहीं, लेकिन अचानक से फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये रॉकेट पार्क है यहाँ का छोटा सा, ये देखिए यहाँ रॉकेट बनाया हुआ है और लाल ये चंद्रयान 3 है। ये हमारे घर का टर्निंग है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आगे की ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा।